अल्लाह वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू कैसे हैं आप आई होप खैरियत से होंगे uh, हमने जितने भी पिछले शोज़ किए उसमें मैंने ये बात रिपीटडली कही कि हमारा जो फ़ोकस है ओबियसली uh, आपको इंटरटेन भी करना है और इन्फॉर्मेशन देना भी आपको है और हमने बहरिया यूनिवर्सिटी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके प्रोफेसर्स को बुलाया एच को बुलाया और हमारा फोकस Uh, सिर्फ मैथ्स uh, जो इंटरेस्ट बच्चे मैथ्स में लेते हैं और उस पर भी हमने बात की जो कंप्यूटर में इंटरेस्ट लेते हैं उसके ऊपर भी हमने बात की और एक वैरायटी ऑफ टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करने का मकसद ये है कि जो बच्चे uh, अपना एक करियर प्रसू करना चाहते हैं उनको एक गाइडलाइन मिले क्योंकि गाइडेंस जो है uh, वो सही वक्त पर अगर आपको नहीं मिलती तो आप uh, कभी भी एक चीज़ अचीव नहीं कर सकते जिसकी आप एबिलिटी रखते हैं और अगर आपको सही टाइम पे गाइडेंस मिल जाए तो आप बहुत ज़्यादा उसमें तरक्की और कामयाबी हासिल कर सकते हैं जिस भी फील्ड में आप जाना चाहें बहुत से बच्चे इस तरह होते हैं जिनका बिज़नेस माइंड होता है और ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि वो पढ़ अपना बिज़नेस स्टार्ट करें एक ऐसा फील्ड या एक ऐसा प्रोफेशन समझा जाता है समझ जिसमें आप बहुत आसानी से और एक दफ़ा आप अगर स्टार्ट अच्छा ले लें तो आपका फ्यूचर जो है हम कहते हैं कि वो सिक्योर हो जाता है इसी सिलसिले में हमने बहरिया यूनिवर्सिटी का जो बिज़नेस इनक्यूबेशन सेंटर है उससे एसोसिएटेड मोहम्मद महरोल हसन को बुलाया है जो कि मैनेजर हैं बिज़नेस इनक्यूबेशन सेंटर के और एक्सिलेटर हैं प्रोग्राम एट बहरिया यूनिवर्सिटी एट ईयर्स से उनका जो है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक़ है में भी उन्होंने एस्टेब्लिश किया था स्टेट ऑफ द आर्ट बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर और uh, एक इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड करना चाहते हैं बच्चों को जो कि अपना uh, बाद में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या वो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं और उनको हेल्प करना चाहते हैं कि वो अपना रोल प्ले करें द सोशो इकोनॉमिक कल्चर या जो सोसाइटी हमारी है हम वेलकम करते हैं उनको असल well, कैसे हैं आप ठीक ठाक आप अल्लाह का शुक्र सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि बिज़नेस इनक्यूबेशन सेंटर जो है वो है क्या और आ, किस तरह से आप हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो अगर बाद में कोई अपना करियर प्रसू करना चाहते हैं बिज़नेस में किस तरह से आप उनको गाइडेंस देते हैं बेसिकली uh, uh, जैसे कि आपने अपने uh, इंट्रो में थैंक यू फॉर काइंड इंट्रोडक्शन Uh, uh, कोई भी स्टूडेंट या ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी का नॉर्मली जब किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करता है तो उसके बाद उसके लिए जो है इससे पहले कुछ टाइम से पहले जो है एक इन्वामेंट था कि जी जॉब के लिए वो तैयार हो रहा है किसी भी स्किल्ड अपने अंदर वो स्किल तैयार कर रहा है और वो जो है वो किसी भी जॉब मार्केट के अंदर आ, जो है एब्जॉर्व हो जाएगा जैसे कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं वो आईटी बेस्ड जॉब ले लेते हैं हाँ. इंजीनियर्स अपनी फील्ड में चले जाते हैं तो ज़्यादातर जॉब के इस जो जॉब क्रिएशन है ये बहुत ज़्यादा मतलब इतनी जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही एज़ कंपेयर टू द ग्रेजुएट्स जो कि यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस कर रही है यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पा, पाकिस्तान में डेढ़ सौ से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो लाखों की तादाद में हर साल पैदा हो रहे हैं और प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो जाके मार्केट में जा रहे हैं तो इस जॉब सेचुरेशन की वजह से और जॉब्स की कमी की वजह से एक गैप पैदा हुआ कि अब जॉब्स नहीं है मार्केट में तो उनको जॉब क्रिएटर जो है वो बनाने चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को ऐसे ग्रेजुएट्स ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करने चाहिए जो कि आगे जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर बने इस सिलसिले में उन्होंने बिजनेस इंकोबेशन का एक कंसेप्ट जो है वो लॉन्च किया यहाँ पे एच ने अपना इसमें काफ़ी की रोल अदा किया उसने पहले तो यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से उन्होंने बिजनेस इंकोबेशन सेंटर्स जो है वो इस्टबलिश किए मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी में बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में और उस बिज़नेस इनकोबेशन सेंटर का मकसद ये है कि इनिशियली कोई भी कारोबार करने के लिए जो सर्विसेज चाहिए होती हैं वो बिज़नेस इनकोबेशन सेंटर बहुत Provide ही आ, आ, एक तो फ्रीली कह लें आलमोस्ट या बहुत ही इकनॉमिकल रेट्स के ऊपर चीप रेट्स के ऊपर जो है उनको वो सर्विसेज अवेलेबल होती हैं तो कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले जो एक टाइम लगता है उसको आ, नर्चर करने के लिए उस एफर्ट लगती हैं उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है hmm. उसको हम रिड्यूस करते हैं स्टार्ट है, लेना मुश्किल होता है तो वी 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 प्रोवाइड दैट लॉन्च ड और एक प्लेटफॉर्म जिसमें ये तमाम सर्विसेज आती हैं जिसमें उनको ऑफिस स्पेस भी मिलती है इनकोबेशन सेंटर की इसके अलावा मैंनेटरिंग है ट्यूटरिंग है उनके हम बाहर से जो है बहुत सारे एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं इस एक्टिविटीज़ में और उनको जो है इनको आपस में लिंकअप कराने की कोशिश करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं कोई भी अपना आइडिया है उसको आगे लेकर चलना चाहते हैं एज अ स्टार्टअप आइडिया लेना चाहते हैं उसके किसी आइडिए के किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के गिर बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं उसके लिए बिजनेस इंकोबेशन सेंटर प्रोवोड कर रहा है अच्छा बिजनेस किस तरह का बिज़नेस आप कहते हैं प्रॉपर्टी में या किस तरह का बिज़नेस आप करते हैं फॉर एग्जांपल अगर कोई हाउस होल्ड या एक हाउस वाइफ है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है केटरिंग करना चाहती है या बेकिंग करना चाहती है तो उसको भी आप हेल्प करते हैं एक स्पेसिफिक एक क्लास है या स्टूडेंट्स है जिनको आप हेल्प करते हैं बिजनेस में तो एक स्पेसिफिक बिजनेस को आप हेल्प करते हैं यूनिवर्सिटी बेस्ड जो बिजनेस इनकोटर्स होते हैं ना वो बेसिकली नॉलेज इकॉनमी के कंसेप्ट के ऊपर अच्छा। जो है खड़े होते हैं नॉलेज इकॉनमी का मकसद ये है कि जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएट्स हैं वो इनोवेशन लाए नया काम करें Achha. अच्छा जो ट्रेडिशनल बिजनेस हैं जिस तरह के कैटरिंग का बिज़नेस है फूड का बिजनेस है आपका हेल्थ केयर में बहुत सारा काम है रिटेल सेक्टर hmm. है आपका इन बिज़नेसेस के अंदर भी इनोवेशन को लाने के लिए अगर वो अपना कोई आइडिया लाते हैं और आईटी को उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं नई टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो जो है किसी ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ लेगेसी बिजनेस के साथ लिंकअप करते हैं तो ऐसे बिजनेसेस को भी हम सपोर्ट करते हैं अच्छा। और आ, हमारा फोकस नॉर्मली बीइंग बीइंग आई टी यूनिवर्सिटी या स्ट्रॉग आई और मैनेजमेंट साइंसिस के जो पिलर्स हैं हमारे जो स्ट्रॉग डिपार्टमेंट्स हैं उन्हीं में से जो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने आइडियाज़ के साथ आ रहे होते हैं उन्हीं को हम इनिशली हम सपोर्ट दे सकते हैं इसके अलावा जो ट्रेडिशनल बिजनेसिस कर रहे हैं लाइग सी बिजनेस कर रहे हैं उनको भी हम इनक्रेज करते हैं सपोर्ट करते हैं और उनको ये कहते हैं कि आप अपने जो सिस्टम्स हैं प्रोसेस हैं इनके अंदर जो है इम्प्रूवमेंट लाएँ इनोवेशन लाएँ आई टी को इनकलगेट करें सो so दैट कि आप भी अपने बिजनेसिस को तेज़ी से ग्रो अच्छा करें और डिफरेंस क्या है मतलब एक जो स्टूडेंट जो अपने फ़ादर का या फोर फादर्स का बिज़नेस संभाल रहे हैं और एक जो आप गाइड करेंगे उसमें और जो आ, जो आप गाइड करेंगे जो फोर फादर्स का बिजनेस सम्भाल उसमें डिफरेंस क्या है यानी कि मैं आपके पास आना चाहूँ बिजनेस के लिए तो मैं क्यों आऊँ आपके पास या जो कि मेरे फोर फादर्स का बिजनेस है या फादर का बिजनेस है मैं उसको कंटिन्यू करूँ या मैं आपके पास हूँ क्या डिफ्रेंशिएट आप करेंगे क्यों आपके पास लोग आना चाहते हैं देखिए जिस तरह मैंने पहले नॉलेज इकॉनमी की बात की और इनोवेशन की बात की इनोवेशन का मतलब है कि कोई भी नया काम जो कि किसी भी ऑलरेडी और इनोवेशन लाजमी नहीं है कि कोई आउट ऑफ़ द वे को बहुत ही नई प्रोडक्ट हो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के अंदर भी आप अगर आप इंप्रोमेंट ला, हाँ। ला सकते हैं इनोवेशन हाँ। ला सकते हैं और उन बिजनसेस को भी जो है हम सपोर्ट कर सकते हैं और वो इनोवेशन कैसे आएगी तो पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग देना ये भी बिजनेस इनोवेशन का काम होता है उसके ऊपर ट्रेनिंग देना और फिर उस चीज़ को प्रॉपरली लॉन्च करना अगर कोई ऑलरेडी कोई अपने फोर फादर्स का बिज़नेस कर रहा है और वो कहते हैं हम क्लासेस में जाते हैं स्टूडेंट्स के साथ तो इंटरेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं जी मेरे फादर का बिजनेस था hmm. अभी रिसेंटली हमारा लॉन्च पैड सेशन हुआ है जिसमें एक, 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 एक स्टूडेंट आया और उसने अपना आइडिया पिच इन किया उसके वाल का प्रॉपर्टी का बिज़नेस था अच्छा। तो ही वॉन्टेड दैट कि जी ऑनलाइन मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊँ जिसके ऊपर जो है प्रॉपर्टी कि जो लोग हैं जो ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं या अपना कोई प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन उस वेबसाइट पे आके अपना डेटा सर्च करें अच्छा। और अपनी रिक्वायरमेंट सर्च करें और वो अपना डेटा देख सकते हैं और आप अब ये भी कह सकते हैं और वहाँ पे जजेज़ ने ये कहा भी कि ऑलरेडी ये दो तीन इस तरह के पोर्टल्स बने हुए हैं तो आप क्या डिफ्रेंट कर रहे हैं तो ही सेट देट कि जी हम ये जो आई के थ्रू और बाई यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म या पोर्टल हम ये चाहते हैं कि उन लोगों को हम प्लाट दे सकें या ख़रीदने के काबिल बनाएँ ऐसे लोग जो कि प्रॉपर्टी जो है वो तीस चालीस लाख रुपए मतलब है कि उनकी अफोर्डेबल अच्छा, प्राइस में हो नॉर्मली ये अच्छा, होता है पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में भी खास तौर पे कि जब कोई नई प्रॉपर्टी या कोई नई स्कीम या कोई इस तरह का कोई रियल स्टेट कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसमें इन्वेस्टर्स पहले आ जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट इनिशियली कम पैसों में करते हैं उसके बाद उस ज़मीन की कीमत कई गुना बढ़ जाती है इस एग्ज़ाम्पल से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल बिजनेस तो ऑलरेडी कर रहे हैं प्रॉपर्टिंग बाई सेलिंग चल रही है सारा कुछ है लेकिन उसको वो ऑनलाइन और अपनी टेक्नोलॉजी का इनफ्लक्स के जरिए वो वो इस चीज़ को जो है वो अपना यूज़, यूज़ करते हैं है, बकायदा टेक्नोलॉजी को मुझे बताएं कि ट्रेडिशनल जो बिजनेस है या जो हम कहते हैं कि एक इंटरनेशनल बिजनेस आ जो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है बिजनेस का उसमें और बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जो आपको प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज उसमें क्या फर्क है इंकोबेशन uh, का जो कॉन्सैप्ट है ना ये बेसिकली निकला है हमारे यहाँ ये आ, फार्मिंग और ये जो आपका आ, चिकन की सेल वगैरह अच्छा। का काफ़ी कन्सेप्ट है तो वो वो एक एक एक्ट एक को खास एक इन्वामेंट देते हैं और उसके बाद जो है ना वो एक्ट जो है ना वो आ, 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 नर्चर करता है उसके बाद वो चूज़ा बनता है और इट इट ग्रो थ्रू आर बिग चिकन और देन इट सोल्ड अच्छा। आउट तो बेसिकली वो जो जिस प्रोसेस के अंदर या जिस मशीन के अंदर उस चीज़ को रखा जाता है उसको इनकोबेटर कहते हैं अच्छा तो इसको बिजनेस से मैं ऐसे रिलेट करूँगा कि बिजनेस इंकोपेशन वो ऐसे इन्वायरमेंट को या ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ के बिल्कुल एक रॉ एक आइडियाज के साथ एक बिल्कुल जो है ना आ, 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 बेसिक कंसेप्ट के साथ स्टूडेंट्स और वो आते हैं अपने आइडियाज़ को जो है वो उस एनवायरमेंट में पिचिन करते हैं वो उस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो हम उनको एक खास इनवायरमेंट एक कंड्यूसिंग इन्वामेंट टू डू द बिजनेस हम उनको प्रोवाइड करते हैं सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम छः मंथ का पीरियड भी है वो आप उनको इनिशियली हेल्प फिर कंटिन्यू कंटिन्यू करें करें तो नॉर्मली बिजनेस अगर आप मार्केट <coughs> में जाए अगर कोई भी फर्ज करें कह, कहता है कि जी मैंने काम करना है तो सबसे <coughs> पहले उसको ऑफिस लोकेशन चाहिए होगी ठीक है कहीं पर जाके काम करेगा उसका किराया देना पड़ेगा ठीक है इंटरनेट लगाएगा कंप्यूटर रखेगा बंदे रखेगा एचआर रखेगा ये सारी चीज़ें जो हैं इट इन्वॉल्व कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट्स ये जो इनिशियली जो कॉस्ट है उसको कट करने के लिए उसको रिड्यूस करने के लिए बिजनेस इनकोबेशन जो है वो सपोर्ट करता है तो अच्छा। so, इस इस जो पैसे आपने कंप्यूटर खरीदने के ऊपर इंटरनेट लगाने के तो ऊपर एक ऑफिस खरीदने के ऊपर लगाने एच आर नई रिक्रूटमेंट करने वो तो पैसे आप अपने आइडिया के ऊपर इन्वेस्ट करें हम ये फोकस करते हैं और हम यही चाहते हैं और करते हैं इन्वामेंट प्रोवाइड करते हैं कि ये तमाम सर्विस उन स्टार्टअपाइड करें हम प्रोवाइड करेंटर में जी हाँ जी और वो अपना डेस्क बकायदा लगाएंगे उसमें अपना सारा वहाँ पे अपना काम करेंगे जी हाँ ऐसा ही है कि हमारे पास <coughs> कुछ छः से सात स्टार्टअप की जगह है अच्छा आ, छोटी सी आ, आ, मतलब जो है ना अभी क्योंकि लेकिन अभी so हमारे छः से सात स्टार्टअप्स बैठ सकते हैं अपने टेबल चेयर डेस्क वगैरह कितने अर्से तक होता है मतलब कितने टाइम स्पेंड के लिए होता है कि जब तक उनका बिजनेस अच्छे से स्टार्ट ना हो जाए या जो है वो अपनी जगह मतलब सही तरह प्रॉपर उसका स्टार्ट एक ले लें उस वक्त तक या कितना टाइम आप देते हैं उनको अब कि okay, वो अपना यहाँ पर business incubation center से वो associated रहे हमारे पास जो अभी जो मॉडल चल रहा है वो तकरीबन एक साल का है जब अच्छा। idea एक है जब किया जाता और जिस तरह कि हमारा launch pad हुआ, में, में, तो ये, ये, अच्छा। ये यहाँ तक मतलब एंड ऑफ ईयर अगर मैं कहूँ तो टू दिसंबर तक तो तकरीबन एक साल का पीरियड है जिसके अंदर हम उनको डिफरेंट ट्रेनिंग गारंटी आप नहीं कर सकते आइडिया सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा लेकिन जब आप उसको स्टार्ट करेंगे वो नहीं चल सकता तो आपकी कोई मतलब उसके लिए भी कोई स्ट्रैटेजीज होते हैं कि ऑब्वियसली अगर वो चीज ना चल रही हो तो आप उसको भी फिर जो है वो उसको भी देखें उसको भी थोड़ा सा कुछ डिफरेंट आइडियाज़ और मज़ीद लेकर आए या कुछ इस तरह और तरीके से इन्वेस्ट करें कि वो चीज़ चल पड़े क्योंकि ऑब्वियसली जहां पर फेलियर की भी बात आएगी आइडिया सुनने में बहुत अच्छा लगेगा लेकिन मे बी वो जब ऑन जब प्रैक्टिकल हम देखें फिर वो इतना सही ना लग रहा हो तो उसके लिए आप किस तरह से करते हैं हम बेसिकली हमारा एक एडवाइजरी बोर्ड है एक कमेटी बनी हुई है अच्छा। जिसके अंदर हमने ऐसे लोगों को इन्वाल्व किया है, जो कि ऑलरेडी अपने सक्सेसफुल बिजनसेस कर रहे हैं वो बहरिया यूनिवर्सिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं और बाहर प्रोफेशनल इंडस्ट्री से भी अच्छा। तल्लु रखते हैं और बहरिया यूनिवर्सिटी के ऐसे प्रोफेसर हज़रा या ऐसे टीचर्स या ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि बिजनेसिस से एसोसिएटेड है तो वो लोग एक रेगुलर बेस्ड मैंटरिंग इन स्टार्टअप्स की कर रहे होते हैं अच्छा। हमारी मतलब जो है वीकली या फोर्थ नाइट जो है फिफ्टीन डेज बाद मीटिंग होती है इस कमेटी के सामने वो बच्चे या जो स्टार्टअप हमारे पास आए हैं वो दोबारा जाते हैं और अपनी प्रोग्रेस जो है वो अपना देते चार्थ हैं चार्थ और उस प्रोग्रेस देने से ये जो कमेटी है या ये जो एक्सपर्ट्स हैं ये एनालाइज करते हैं कि हाँ अब उनने अब उसका, अब उसका अब जो एक्सपीरियंस लेवल है वो क्या हो चुका है उसने काम कितना किया था उसको क्या टास्क माइल्ड और नॉर्मली जो माइल्ड हैं वो अब स्टार्टअप खुद ही तय करता है तो ये इनिशियली ही टाइम में जो दो तीन महीने का जो हमारा एक समझ लें ले होता है उसमें ही हमें मालूम हो जाता है अच्छा। और हम स्टार्टअप को ये भी नहीं कहते कि वंस अगर वो हमें लगता है कि आइडिया नहीं चलेगा और वो उसको प्रैक्टिकली करता है और उसकी कोई सॉफ्ट लॉन्चेज वगैरह करता है और नहीं चल रहा होता तो हम उसको कन्विंस करते हैं और उसको ये कहते हैं कि बजाय उसको हम ये कहें कि नहीं अब आप छोड़ के हमें हम उनको कन्विंस करते हैं कि आप अपने या तो इस आइडिया को इम्प्रूव करें या कोई और नया आइडिया भी आप ला सकते हैं उसके ऊपर भी आप काम कंटिन्यू कर सकते अच्छा, हैं आ, ब्रेक का टाइम हुआ जब हम वापस आएंगे तो हम मजीद बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर स्टेट की वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं राइज इन शाइन विद बहरिया मुझे बताएं कि बिज़नेस uh, की एक प्रॉपर एजुकेशन है एक प्रॉपर uh, पढ़ाई है इसकी तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट जो फील्ड ऑफ लाइफ से जो लोग आते हैं वॉक्स ऑफ लाइफ से उनके लिए भी बिज़नेस करना उतना ही आसान होता है या प्रॉपर पढ़ाई या उसको समझ कराना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेसिकली आजकल जिस तरह एक कंप्यूटर सीखने की एक स्किल है मतलब जिस तरह एक आज से कुछ अर्स पहले जब कंप्यूटर्स नहीं थे तो मैथ करना या इंग्लिश बोलना इस तरह की जो स्किल्स जो हैं ये बिल्डिंग की जाती थी एकेडमिक्स इन्वामेंट के अंदर अभी ऐसा हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर भी तमाम डिसप्लेंस को मे बी आई एम रॉन्ग अबाउट कपल ऑफ देम लेकिन बहुत सारे हैं उनके डिग्री प्रोग्राम के अंदर ही ऑन्टरप्रीनियोरशिप पढ़ाई जा रही है Achha. तो उस आंट्रप्रनीरशिप के कोर्स के अंदर जो है वो तमाम बिजनेस करने के तरीके उनकी जो है एग्जाम्पल्स और वो सारी चीज़ें उनको पढ़ाई जाती हैं समझाई जाती हैं तो स्टूडेंट्स जो भी हैं अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हों चाहे वो आई के बैकग्राउंड से हों मैनेजमेंट साइंस से हों उनको जो है इनकरेज किया जाता है कि आप अगर, अगर अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको वो बेसिक एजुकेशन भी दी जाती है इसके अलावा कामयाब होना उतना ही आ, इम, उतना ही चांसेस उनके भी कामयाब होने के एज कंपेयर टू बिज़नेस स्टडी एक्जेक्टली एक्जेक्टली और आ, हम बहरी यूनिवर्सिटी के प्लेटफार्म से एक तो बड़ा अच्छा एक चीज है और जो इस इंडक्शन में भी इंशाल्लाह हम करने जा रहे हैं कि हम हमारे पास जो आइडियाज़ ज़्यादातर आते हैं वो आईटी और सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के होते हैं तो वो टेक्निकली तो बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं वेबलिक्लिकेशन हैं या आई सी टी इन्फॉर्मेशन कम्यूनिकेशन टेक्नोजीज़ को यूज़ करते हैं बहुत अच्छी अच्छी एप और चीज़ें चीज़ बना रहे हैं लेकिन उसको मार्केट करने के लिए उनके पास वो स्किल नहीं, नहीं होती तो हम उनको बजाय उनके अंदर स्किल बिल्ड करने के अगर तो उनमें ख्वाहिश है तो वी आल्सो डू ट्रेनिंग ऑन दैट थिंग लेकिन हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो मैनेजमेंट साइंस के हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी हैं जिनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हाँ मार्किटिंग पढ़ा हुआ है तो उसको आप आ, करें उसको अपना को फाउंडर बनाएं उसको अपना पार्टनर बनाएं इंटर डिसप्लिनरी प्रोजेक्ट करें सो दैट के जो है वो आपका जो वो गैप है वो फिल इन हो सके तो इसी तरह कोई भी स्टूडेंट किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है तो वो ये प्रोजेक्ट्स कर सकता है अच्छा मुझे बताएं कि अपॉर्चुनिटीज क्या आप आ, देंगे या जो जोरशिप जो तो ऑन्टरप्रीनोर्स बनना चाहते हैं क्या अपॉर्चुनिटी उनके पास होगी जब वो एक दफ़ा आपसे ट्रेनिंग लेके चले जाएँ देर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ आज कल जिस तरह मैंने पहले बताया कि बिज़नेस जो हैं वो इकनॉमिक uh, डिवेपमेंट uh, का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है एस एम ई डिवेल्पमेंट स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डिवेलमेंट और ये स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ जो हैं ये यही लोग स्टूडेंट्स या इस तरह के मतलब जो है लोग हैं कि छोटे छोटे बिजनेस अपने अपने कारोबार वो स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे लेवल से और उनको एक्सपेंड करते हैं और बड़े बनाते हैं तो कहीं पे भी कारोबार और पाकिस्तान की जो आजकल डायनामिक्स हैं सी पैक के प्रोस्पेक्टिव से भी और वैसे भी हमारी जो इस तरह अनफॉर्चुनेटली वो हुआ लेकिन नॉर्मली पाकिस्तान का जो डायनामिक्स है इकनॉमिक डेवलपमेंट है इट इज़ गोइंग अपवर्ड सो so इसमें कोई भी छोटा बिजनेस है वो अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे इन्वामेंट और प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं और आ, पाकिस्तान के अंदर अभी भी हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। आई टी सेक्टर के अंदर आई टी की हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अवर नेबरिंग कंट्रीज हमें उनको बढ़ाना है उनके लिए काम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है फ्री में बहुत ज़्यादा काम अवेलेबल है और हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए अगर वो नॉन आई टी बैकग्राउंड से है वो अच्छा लिख सकता है अच्छा बोल सकता है तो अच्छा काम कर सकते हैं तो देर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल और मार्केट uh, में आप अभी भी मतलब जो हैं वो अगर अखबार देखें या जो जॉब पोर्टल्स हैं उस पर देखें तो देर आर सो मैनी ऑप्शन अवेलेबल कि जी उसमें वो आ, और आंट्रप्रीनरशिप के वाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो एक इस्टेबलिश करने जा रही है एच ई सी नियरली फिर इसके बाद हो ये होगा कि डेढ़ सौ या जितनी हमारे पाकिस्तान यूनिवर्सिटी हर यूनिवर्सिटी के अंदर इनकोपेशन सेंटर होगा तो ऑबियसली एक मार्केट की डिमांड है तो ये चीजें बन रही हैं और so तो जो स्टूडेंट्स तो पढ़ रहे हैं उनको ऑफ द डे कुछ वो सोसाइटी को पे तो करें जब जो कुछ वो पढ़ रहे हैं या जो क्योंकि अब ऑब्वियसली जो बच्चे यहाँ से पढ़ के चले जाते हैं फिर बहुत से इस तरह होते हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं होते जॉब्स के ऑप्शन नहीं होते लेकिन जब उनके पास एक ट्रेनिंग मौजूद होगी तो वो किसी टाइम पे भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं है? uh, मुझे बताएं अपॉर्चुनिटीज की तो हमने बात की अचीवमेंट्स आपकी अब तक क्या कोई ऐसी सक्सेस स्टोरीज रिनाउंस स्टोरीज या अचीवमेंट्स जो आपकी हैं अब तक ऑबियसली बहरी में तो मेरा कहाँ टाइम अभी थोड़ा ही गुजरा है तो यहाँ की अचीवमेंट भी जो इससे पहले इनकोबेशन सेंटर यहाँ एक दो साल से इस्टबलिश है तो यहाँ भी ऑलरेडी जो स्टार्टअप्स थे वो उनसे मेरी इनडायरेक्ट इंट्रैक्शन होती रहती थी तो उनमें एक बड़ा एक अच्छा ब्रांड है रिवाजफ खाए के नाम से अच्छा। वो बेसिकली उनका फेसबुक पेज भी है एक ई e स्टोर भी है और वो भी कल्चरल हमारे पाकिस्तान के जो कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको फुट है, है, वो फुटवेयर्स हैं या क्लॉदिंग चीज़ें हैं वो ई कॉमर्स स्टोर बना के उसके ऊपर सेल करें और काफ़ी अच्छा उनका जो है आ, चल रहा है उनका काम इसके अलावा कोड डिजिटा के नाम से एक वो है वो भी टेक्नोलॉजी और एसएमएस मार्केटिंग के अंदर बहुत अच्छी उनकी प्रोडक्ट्स हैं सोल्यूशन हैं वो सक्सेसफुली अपने बिजनेस जो हैं वो रन कर रहे हैं इसके अलावा बहरिया आ, के प्लेटफॉर्म से अभी भी हमारा रिसेंटली पाकिस्तान इनोवेशन एवॉर्ड पी ने ऑर्गेनाइज़ कराए तो वो नॉर्मली ये करते हैं कि पूरे पाकिस्तान से किसी ख़ास थीम के ऊपर आइडियाज़ लेते हैं इस साल की उनकी जो थीम थी वो डिसेबिलिटी के ऊपर थी कि आप जो भी हैं जो आइडियाज़ अपने पेचिन करें वो ऐसी एप्लीकेशन या ऐसी चीज़ें बनाएं जो कि डिसेबल या फिज़िकली चैलेंज लोगों के लिए हेल्पफुल तो उसमें जो टॉप फाइव पाकिस्तान में सेलेक्ट हुए उसमें जो थर्ड नंबर पर था वो हमारा ही यूनिवर्सिटी का स्टार्टअप था बिजनेस इनको सेंटर का स्टार्टअप था इज़ अ मीडिया स्टूडियो मीडिया डिपार्टमेंट का वो स्टूडेंट है अभी पढ़ भी रहे हैं और हमारे साथ एक स्टार्टअप भी उनका चल रहा है हाइतम नासिर उनका नाम है रोल आउट उनकी ऐप का नाम है और वो अभी टॉप उसमें थर्ड इनाम भी उन्होंने विन किया है तो ये दीज़ आर आई बिलीव कि ये सक्सेस स्टोरीज और इसके अलावा हमने इंडक्शन भी किए जिसमें हमारे पास सात आठ ऐसे अच्छे स्टार्टअप्स और ग्रुप्स आए हैं जिनके जो इन इन द फ्यूचर इन कपल ऑफ मंथ्स आप देखेंगे कि वो अपनी सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो हमारी और मज़ीद भी आ, बनेंगी और आएँगी और आपके सामने भी अच्छा आ, जब आप आपने बिज़नेस इनक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टार्ट किया फिर ना आप हर एक स्टेप आगे आगे जाने की कोशिश करते हैं अब आप इसको किस तरह से नेशनल लेवल पर प्रमोट करेंगे फिर ऑब्वियसली आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करने या इंटरनेशनल लेवल पर इसको लेकर आना है उसके क्या प्लान्स हैं क्या किस तरह से आप प्लान करने के इसको किस तरह से आपने फर्दर आगे लेके जाना है आ, दो चीज़ें हैं एक आ, आपका प्रोग्राम डेवलपमेंट होता है कि आपने करना क्या है कैसे करना है जो स्टार्टअप्स आएंगे उनको आगे लेकर कैसे चलना है और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है तो हम दोनों चीज़ों में काम कर रहे हैं एच आर में या प्रोग्राम डेवलपमेंट में हमने एक ज़बरदस्त सा अच्छा करिकुलम डिज़ाइन किया है इन्हीं स्टार्टअप्स के लिए और वो इन शाला जो है ना जो 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 स्टार्टअप्स नए आए हैं उनके लिए वो अवेलेबल होगा और ये ऐसा करिकुलम है जो कि हमने रियल एग्ज़ाम्पल्स जो पाकिस्तान की हमारी लोकल इन्वायरमेंट की एग्जांपल्स हैं है, उनसे कुछ लर्निंग्स लेकर हमने वो करिकुलम डिज़ाइन किया है तो वो करिकुलम उनके लिए अवेलेबल होगा प्रोग्राम डेवलपमेंट भी होगी और और वो हमने इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं इनकोबेशन के या कोई भी बिजनेस करने के उनकी भी जो फाइंडिंग्स हैं या आउटकम्स हैं उनको भी हमने इंगेज उसमें इनपुट करने की कोशिश किया उस करिकुलम के अंदर तो वंस द वो करिकुलम अवेलेबल अगर उन स्टार्टअप्स के लिए तो ऑब्वियसली वो एक बहुत तेज़ी से अपना जो है सक्सेस की तरफ जा सकते हैं आ, अच्छे तरीके से अपने जो है बिजनेसिस को चला सकते हैं आगे लेके जा सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्योंकि फैसिलिटी शायद आप इस प्रोग्राम के एंड पे देखेंगे तो वो थोड़ी सी अभी हमारे पास छोटी फैसिलिटी है तो इस इसी इसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने हम प्लान कर रहे हैं कि एक मल्टी स्टोरी एक स्टेट ऑफ द आर्ट इनकोबेशन सेंटर इस्टाब्लिश करें जिससे पहले जो मैं इससे प्रीवियस एम्प्लॉयर थे तो वहाँ पे भी हमने 56 मिलियन का एक पूरा इनकोबेशन सेंटर जो है वो 10,000 थाउजेंड स्क्र फिट की बिल्डिंग थी जिसमें लैब्स हैं ट्रेनिंग हॉल्स हैं ऑफिसज़ रूम्स हैं और इसके अलावा लेटेस्ट बायोसाइंस का कंप्यूटर्स का आई का इक्विपमेंट अवेलेबल है तो इसी तरह का एक लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इनकोबेशन सेंटर वी आर प्लानिंग के जी हम बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर भी बनाएँ और तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को या ऑर्गनइजेशन को जो इस एंट्रप्रीनरशिप डेवलपमेंट के अंदर काम को कर रही है उनको लेकर उसको डिजाइन करें तो उसमें काफी हद तक वो हम प्रोग्रेस कर चुके हैं और इसी इसी साल में हमने उसका पीसी वन पिचिंग इनशाला है, को और है। we'll अच्छा there. आपने वैसे बता तो दिया फ्यूचर प्लान लेकिन वैसे जनरली क्या फ्यूचर प्लान हैं रिगार्डिंग बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर क्या आपने प्लान किया हुआ है क्या चाहते हैं आप कहाँ पर देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स को जो आपसे ट्रेनिंग uh, लेके जाते हैं या बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर को एज होल आप कहाँ देखना चाहते हैं मैं देखना चाहता हूँ कि जितने भी स्टार्टअप्स हमारे हैं हमारे पास इंडक्ट हों वो कामयाब कारोबार करने वाले कामयाब बिजनेस करने वाले कामयाब एंटरप्रेनरशप करने वाले बने पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बने और आ, जो है और तेज़ी से ग्रो करें हमारा ग्रोथ के ऊपर काम नहीं होता बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं उनको हम इनिशियल ट्रेनिंग्स दे जाते हैं और उसके बाद वो अपना जो है मोटिवेटेड नहीं रहते और किसी और प्रॉब्लम्स की वजह से उस कारोबार को या उस काम को छोड़ देते हैं और उसके बाद वो कोई और चीज़ कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं तो इस मोटिवेशन को हम एक कंटिन्यू रखना चाहते हैं अवेयरनेस की अवेयरनेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं हमारा सक्सेस रेट जो है वो हंड्रेड परसेंट होना चाहिए नॉर्मली बिजनेसेस के अंदर फोर्टी फिफ्टी परसेंट जो है सक्सेस रेट होता है एट्टी सेवेंटी एटी परसेंट जो है स्टार्टअप्स वो फेल हो जाते हैं तो इस फेलियर रेट को कम करना है और मैक्सिमम हमने अपनी सक्सेस को बढ़ाना है और जो भी स्टार्टअप हमारे पास या हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हम देखना चाहते हैं कि वो कामयाब हो और आ, एक एक बड़ा एक आ, एक स्ट्रॉग स्टार्टअप बन के उभरे और आ, यहाँ पर अपने बहरी यूनिवर्सिटी के अंदर और इस इसको पाकिस्तान की कंट्री की इकनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बने उसमें अच्छा और मैं लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि जो बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर है बहरी यूनिवर्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को तो ऑब्वियसली वो फैसिलिटेट कर रहा है जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं या जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से हैं जो घर में बैठे बच्चे हैं या खातन हैं वो भी उनको भी आप ट्रेन करेंगे करते हैं या सिर्फ इट इज इनक्लाइन ओनली टू द बहरिया यूनिवर्सिटी उसके प्रमिसेज में नहीं आ, आ, एक तो है ना कि आ, एक पॉजिटिव कंपटीशन के लिए हम ये जो एप्लीकेशन का जो हमारा साइकिल है ये हम ओपन करते हैं तमाम आ, उसके लिए हम अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर अच्छा। और तमाम उसके ऊपर जब अपलीकेशन ओपन करते हैं तो उसमें कोई हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं लिखते हैं ना ही हम उनसे कुछ ऐसी डिटेल लेते हैं कि क्या आपका ताल्लुक बहरी यूनिवर्सिटी से है या नहीं तो इस किस्म की इन इन्फॉर्मेशन होती है नॉर्मली क्योंकि आप बहरी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे कर रहे होते हैं तो ज़्यादा उसके जो एप्लीकेंट होते हैं वो बहरी यूनिवर्सिटी के होते हैं लेकिन दिस प्रोग्राम दिस इनकोबेशन प्रोग्राम इज़ ओपन टू एवरी एनी काइंड ऑफ वो कोई भी मतलब है कि वो घर बैठी खातून भी हो सकती हैं वो कोई आ, 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 मतलब जो है किसी और यूनिवर्सिटी का जहाँ पे इंकोबेशन सेंटर या इस किस्म की फैसिलिटी हाँ। नहीं है तो इस किस्म का कोई मतलब है कि वो अपनी एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर चुका है कोई नौकरी कर रहा है जॉब कर रहा है और वो करना चाहता है और इस तरह के आइडियाज़ हमें आते भी हैं तो इन तमाम को हम प्लेटफॉर्म और जो अपना हमारी सर्विसेज हैं उनके हम ओपन करते हैं और उनको आ, आ, हम ऑप्शन देते हैं चांस देते हैं कि वो इस सर्विसेज को इन चीज़ों को इस्तेमाल करें अपनी यूटिलाइज करें अपने, अपने कारोबार को लेकर लेकर चलें बी टेक अ शॉर्ट ब्रेक है ब्रेक के बाद जो हम वापस आएंगे तो हम बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर जो है बहरिया यूनिवर्सिटी का उसको विजिट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि बिज़नेस इनक्यूबेशन सेंटर जो है वो होता कैसे और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फिर डिटेल थैंक यू मैं आपको इनशाला बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की बात करूंगी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन विद बहरिया